फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मैजिकल मीनाक्षी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आज बनाया है आप सबके लिए स्पेशल मटर पनीर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आप देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट में मैंने क्या क्या लिया है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी क्विक टू मेक। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किया, ये बहुत ही बेसिक तरीका है। आपको डे टू डे लाइफ में आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं इस मटर पनीर की रेसिपी को। इसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्ची और पनीर। बस इतने बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ आपके पनीर की सब्ज़ी जो होगी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं, कटिंग के पहले मैंने दो बड़े टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची एंड धनिया पत्ता लिया था। धनिया पत्ता सबसे लास्ट में हम गार्निशिंग के लिए यूज़ में ले आएंगे। और जब फाइनल सब्ज़ी बन के तैयार होती है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर लीव्स डाल के हम मिक्स कर सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। शुरुआत हम करते हैं पनीर के टुकड़ों को काट के। इसको आप देख सकते हैं कि पनीर के जो टुकड़े हैं मीडियम साइज क्यूब्स में हमने कट कर लिए हैं। इसके अलावा हमने ग्रीन पीस ले ली है जो कि देखने में बहुत ही फ्रेश और हरा दिख रहा है। ये सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी की। तो आप जितने भी फ्रेश ग्रीन पीस लेंगे उतनी आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। नाउ इट्स टाइम टू शैलो फ्राई द पनीर। हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे और पनीर के क्यूब्स को शैलो फ्राई करेंगे। ये कुछ लोगों को नहीं पसंद है शैलो फ्राई, तो आप मत कीजिए। हम लोगों को पसंद है शैलो फ्राई पनीर, तो हमने पनीर के कच्चापन को थोड़ी सी दूर करने के लिए थोड़ा सा सौते करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं, पनीर को मैंने शैलो फ्राई मस्टर्ड ऑयल में किया है, क्योंकि कुछ सब्जियां जो होती हैं वो मस्टर्ड ऑयल की अच्छी होती हैं। और स्पेसिफ़िकली जब आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो फिर आप सरसों तेल की ही सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सब्ज़ी बहुत चटपटी होती है और इसका स्वाद एक अलग ही फ्लेवर देता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट शैलो फ्राई करने के लिए पनीर को रख दिया है। और इसको बहुत ही हल्के हाथ से आपको पलटना है। आप चाहे तो चिमटा भी यूज़ कर सकते हैं इसको पलटने के लिए, बट मैंने बस हल्का सा इसको स्पैचुला से ही अल्टी पल्टी करके और इसको थोड़ा सा रेडिश लाइट ब्राउन में करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पनीर जो है वो अब ऑलमोस्ट हो चुका है। इसको बस हमें हल्का सा शैलो फ्राई करना है और लाइट ब्राउन कलर में आने के बाद ही इसको हम निकाल के एक साइड में रख लेंगे और फिर से कढ़ाई लेंगे। और इसी कढ़ाई में हमें थोड़ा सा तेल और ऐड करना है। और जो सब्जियां हमने कट करके रखी हुई हैं अपने साथ, जो कि प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, अदरक है और लहसुन है, इसको हमें रफली चॉप कर लेना है और फिर कढ़ाई में इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। इट शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, इट शुड नॉट बी अंडर कुक्ड। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड कुक होना चाहिए, जिससे कि ट्रांसल्यूसेंट फॉर्म आप कह सकते हैं कि उस फॉर्म में हमें करना है इसे। और प्याज के बाद अब हम थोड़ी देर तक वेट करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़े टोमेटोज, ग्रीन चिली, गार्लिक एंड जिंजर। और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर ढक के भी पका सकते हैं, तो फिर जो भी कुकिंग होती है वो ढक के पकाने पे जल्दी पकती हैं चीज़ें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दिया है और इसके बाद अब मैं ऐड करने वाली हूँ टोमेटोज और गार्लिक एंड जिंजर। तो ये जिंजर गार्लिक मैंने ऐड कर लिया है जो कि मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, या तो आप चाहे तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, बट मैंने इसको ग्रेट किया था। और थोड़ी देर वेट करके हमें टोमेटोज ऐड करने हैं, क्योंकि टोमेटो ऐड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा देर तक और पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए टोमेटोज जो है वो सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे, जब हमारा प्याज जो है वो थोड़ा आधा पक जाएगा, क्योंकि टोमेटोज को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम फिर से इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कहीं ये जल तो नहीं रहा है। और अगेन फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगी कि आपको जो भी कुक करना है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगा तो ये जो जिंजर और गार्लिक है ये बेस में चिपक जाएंगी और जल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने टोमेटोज़ भी ऐड कर लिए हैं इसमें और कलर कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। तो टोमेटोज़ को भी ऐड करके हम इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। अब पकाने के बाद फिर हम इसे
मिक्सी के जो ग्राइंडर जार होते हैं उसमें हम इसको डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना के अपने साथ रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्राइंड करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि बिल्कुल गर्म हमें मिक्सी में नहीं डालना चाहिए कोई भी आइटम। अब मैं मीनवाइल एक पैन में जो मटर हमारे पास थी इसको थोड़ा सा पार बॉयल कर लेती हूँ। बहुत फुल कुक नहीं करना है आपको, आपको हाफ बॉयल कर लेना है नमक डाल के, वो भी क्योंकि नमक डालने से जो होगा वो मटर जो है वो नमक के फ्लेवर को और ये बाद में हमारे लिए इजी होगा कुकिंग के टाइम जब हम फाइनली ग्रेवी में इसको कुक कर रहे हों, तो मटर जो है वो सादा नहीं लगेगा, फीका नहीं लगेगा इसमें, इसलिए हमने अभी नमक डाल दिया है ताकि ये बॉइलिंग के टाइम ही जो है एब्जॉर्ब कर ले सारे नमक को। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब मैं इन सारी सब्जियों को ग्राइंड करके बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बना लिया है और इस पेस्ट को हम साइड में रखने के बाद मसाले लेंगे। अब मसाले में रहेगा आपका कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कश्मीरी रेड चिली ऐड करना है ताकि उसका कलर जो है वो बहुत ही सुंदर हो। इसके अलावा हमें जीरा, हींग और गरम मसाला लेना है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गरम मसाले को हमें सबसे एंड में ऐड करना होता है क्योंकि वो सिर्फ उसका काम होता है अरोमा देने का। बाकी की जो भी मसाले हैं उनके साथ हमें गरम मसाले को भूनना नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ रख लिया है ताकि जब कुकिंग मैं कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस ना हो और मसाले मेरे जले ना। तो अभी बारी है कि हम फाइनल जो है वो सब्ज़ी बनाए, और इसके लिए हमने लिया है सबसे पहले कुकिंग ऑयल एक कंटेनर में। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था सबसे पहले जीरा। जी हाँ फ्रेंड्स, जीरा सबसे पहले आपको ऐड करना है इसमें। इसके अलावा मैंने ऐड किया था थोड़ी सी हींग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने सारे खाने में हींग ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ, और उससे हमारा डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है, उससे हमारे खाने का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, तो मैंने हींग भी ऐड किया है इसमें। और इसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो पेस्ट बना के रखा था अपने साथ, इस पेस्ट को हम ऐड कर देंगे। ये पेस्ट जो है वो ऑलरेडी हाफ कुक्ड है पीसने के पहले, लेकिन फिर हमें यहाँ पे इसको प्रॉपर कुक करना है ताकि ये जो ग्रेवी है इसकी रिचनेस इसी पेस्ट से आती है और थिकनेस भी यही पेस्ट डिसाइड करता है। तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत ज़्यादा पतला ना करें और इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना करें। तो इस पेस्ट को अब मैं मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनूंगी जब तक कि इसके साइड से तेल ना छूटने लगे और इसका जो कलर है वो येलो से ब्राउन ना हो जाए। बारी है फ्रेंड्स इसमें मसाले ऐड करने की। तो मसालों में सबसे पहले मैंने शुरुआत किया है धनिया पाउडर से। आप देख सकते हैं कि आप अपने अंदाजे से, अपने हिसाब से धनिया पाउडर ऐड करें। फिर इसमें थोड़ी सी टर्मरिक भी हमें ऐड करनी चाहिए और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आए। और इसको हम फिर से एक बार मिक्स करेंगे इस पेस्ट के साथ, और इसमें हल्का सा पानी आपको डालना अगर है तो इसी मोमेंट पे डाल सकते हैं ताकि ये जो मसाले हैं वो नीचे लगे भी ना और जो पानी है वो मसालों के साथ अच्छे से पक के इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फाइनल अभी ही हो जाए। फिर बाद में पानी ऐड करने से वो फ्लेवर अलग सा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मसाले जो हैं वो सूखने स्टार्ट हो गए हैं थोड़े से। तो अभी इसमें बारी है आपको नमक डालने की। जो आपकी ग्रेवी में आप नमक डालना चाहते हैं वो अभी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने और बी केयरफुल क्योंकि हमने मटर के साथ भी नमक थोड़ा सा डाला था। तो नमक डालने के टाइम आप ज़रूर याद कीजिए कि आपने पीछे
किसी भी स्टेप पे नमक ऐड किया है, अगर किया है तो अभी आपको बहुत कॉन्शियसली नमक ऐड करना चाहिए। और अब भी बारी है कि हमने जो पार बॉयल करके ग्रीन पीस रखे हैं इसको छान के, और इसमें हम मसाले और इस पेस्ट के साथ थोड़ी देर के लिए साथ में भून लें, ताकि जो मटर है उसमें भी मसाले और पेस्ट का एक्सट्रैक्ट आ जाए थोड़ा सा। और इसमें अब बारी है हमें पनीर ऐड करने की। जब हम पनीर एक बार इसमें ऐड कर लेते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पानी कैसे ऐड करना है हमें। तो फ्रेंड्स, अभी बारी है इसमें पानी ऐड करने की, और यही मोमेंट है जब आपको लास्ट टाइम पानी इसमें ऐड करना है। इसके बाद से अगर आपने पानी ऐड किया तो फिर ये सब्ज़ी का सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो अभी जो है बॉइलिंग के पहले इसमें आपको जितनी भी क्वांटिटी में पानी चाहिए वो अभी आप देख लीजिए, थोड़ा सा लूज़ आप रखिए, क्योंकि जब ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी और जब सर्व करने का टाइम आएगा तब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसमें जितना पानी डालना है उतना डालिए, और इसमें थोड़ा सा फाइनल सॉल्ट डाल दीजिए, ताकि जो है वो ग्रेवी के साथ कोऑर्डिनेटेड हो। और अब देख सकते हैं कि ये बॉइलिंग कितनी अच्छे तरीके से हो रहा है, और कलर भी कितना खूबसूरत आया है, और इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी पतली लग रही है, बट जैसे ही ये बन के तैयार होगा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गरम मसाला जो है वो हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो अब इसी स्टेप पे हमें गरम मसाला भी ऐड करना है। जब मटर पक चुका है, मसाले पक गए हैं, और पनीर को भी हमने इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। लास्ट में फ्रेंड्स, हम आधे कोरिएंडर लीव्स को इसके साथ मिक्स करेंगे, और आधे कोरिएंडर लीव्स हम रख लेंगे जब हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन का टाइम होगा, सर्विंग टाइम होगा, उसमें हमें डालने के लिए। तो मैंने मिक्स कर लिया है कोरिएंडर लीव्स को भी इसके साथ। तो फ्रेंड्स, अभी फाइनली ये बन के तैयार है, और इस पर मैंने कोरिएंडर लीव्स थोड़े से डाल दिए हैं। आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए आपको कैसा लगा मेरे हाथ का मटर पनीर, मेरे स्टाइल का मटर पनीर। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।